हे hey फूडीज, आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाली मूंग दाल। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग दाल। इस मूंग दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था और करीब आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इसमें करीब 1 कप पानी डाला है, तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे और एक प्रेशर कुकर गैस पे रखेंगे और उसमें ये दाल और पानी दोनों डाल देंगे। तो इस दाल में ऑलरेडी 1 कप पानी है और इसमें हम करीब 1 कप पानी और ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने 1 कप पानी यहाँ पे और ऐड कर दिया है, तो करीब 2 कप पानी डाला है। उसके बाद मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक स्वाद अनुसार और एक हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से हाथ से तोड़कर डाला है। हमें ये हरी मिर्ची फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह रफली तोड़ के डाल सकते हैं। अब हम इसे पकाएंगे करीब 2 सीटी आने तक। मूंग की दाल को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो 2 सीटी में अच्छे से पक जाती है। और जब ये प्रेशर रिलीज हो जाए तब इसकी लिड हटाएं और आप देख सकते हैं मूंग की दाल कितने अच्छे से पक चुकी है। ये मूंग की दाल अभी थोड़ी गाढ़ी है, आप देख सकते हैं, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा ताकि राइट कंसिस्टेंसी हमें दाल में मिल पाए। तो करीब 1 कप पानी मैं इस दाल में और डालूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और डाल दिया है, तो करीब हमने इस दाल में टोटल 3 कप पानी डाला है। अगर हम स्टार्टिंग में ही 3 कप पानी डालते तो ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि प्रेशर कुकर से वो पानी बाहर आने लगता है, इसलिए मैंने ये 1 कप पानी बाद में डाला है। तो अब आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अब ये दाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना तो ये गाढ़ी है और ना ही ये ज़्यादा पतली है। तो अब हम इसे हल्की गैस पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए, और तब तक हम अपना तड़का तैयार करेंगे। तो एक तड़का पैन रखें और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच घी। इस दाल का जो असली फ्लेवर है वो घी से ही आता है, क्योंकि हम इसमें ना तो प्याज यूज़ कर रहे हैं, ना टमाटर और ना ही लहसुन, तो इसका फ्लेवर जो आपको मिलेगा वो घी से ही मिलेगा। तो घी अच्छे से डालें और उसके बाद उसमें डालें आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने दें। ये देखिए, जीरा ऊपर आ चुका है और ब्राउन होने लगा है, तो ये जीरा अच्छे से भुन चुका है। गैस की फ्लेम को हल्का ज़रूर करें, वरना ये तड़का जलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट अनुसार। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि दाल में हमने ऑलरेडी हल्दी डाली हुई है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है ताकि तड़के का कलर अच्छा है। और उसके बाद मैंने डाला है करीब 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। सो ये हमारा देखिए सिंपल तड़का बिल्कुल तैयार है। इस घी के तड़के से ही दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये रेसिपी बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम इस तड़के को दाल में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तड़का ये दाल में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी करीब 1 नींबू का रस। सो ये दाल जो है काफ़ी खट्टी मीठी दाल हो जाती है, घी से जो मीठा फ्लेवर आता है और नींबू से थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर, तो इस दाल का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। सिंपल इजी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड लव को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।